700 रन का यार 659 उन्होंने बनाए हैं भाई, तुम्हारा बाप भी पूरे नहीं कर सकता। वो इनिंग की शिकस्त होगी, इनिंग की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद दयानत और आज जरा तवा लगाते हैं इन लोग का, कितनी बेइज्जती करवाई भाई तुम लोगों ने। अबे 700 रन कोई खाता है यार? क्या 700 रन आसान बात नहीं है। यहाँ पर आप बात करो शान मसूद की, भाई चहेते उनका अब्बा जो बैंक का मालिक है तो वो तो भाई खेलेगा ना, जितनी मर्जी आएगी खेलेगा। पर्ची था, है और रहेगा, सिर्फ एक पर्ची के दम पर खेल रहा है वो, कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसकी, ना ही किसी और की है इतनी ज़्यादा। आपने शान मसूद को क्यों रखा है टीम में अब तक किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि भाई फेल होने के बाद भी आप उसको खिलाए जा रहे हो जब तक वो परफॉर्मेंस कर ना ले। एक में परफॉर्म करेगा, 10 में फेल होगा, आप कैसे उसको खिला रहे हो? कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है? ये पीसीबी, ये मिसबा वकार जब से आया ना पिछले 2 साल से बेड़ा गर्क करके रख दिया, यकीन करें टीम को निचोड़ के फेंक दिए। ये पाकिस्तान की वही टीम है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता, जिसने 92 का वर्ल्ड कप जीता। ये वही टीम है जिसमें शाहिद अफरीदी, यूनिस खान थे, जिसमें इमरान खान और वसीम अकरम थे, जिसमें मोहम्मद आमिर और सरफराज अहमद, फखर जमान थे। एक भी बंदा उनमें से नहीं है इस टीम के अंदर और बेड़ा गर्क कर दिया यकीन करो इस क्रिकेट बोर्ड का। क्रिकेट बोर्ड का इस टाइम पे बेड़ा गर्क है। और ये सब किसने किया है? जो हमारे एहसान मानी साहब, वो टिड्डा नहीं है जो यूं करके घूमता है बिल्कुल, इंटरव्यू देने के लिए आग लगी होती है, इंटरव्यू देने के लिए इन लोग को बहुत ज़्यादा आग लगी होती है कि भाई हमने आके वहाँ पर पीसीबी के लेके करोड़ों रुपए तनख्वाहें लेनी है और हमने इनका मतलब अपना मुंह दिखाना है टीवी पे, इतना बड़ा मुंह दिखाना है हमने, और फिर वहाँ पर हम जो है अपना क्रिकेट को प्रमोट करेंगे, हम पाकिस्तान के क्रिकेट को ऊपर लेके जाएंगे। लेके जाओगे तुम लोग ऊपर? घटिया तरीन परफॉर्मेंस थी, 700 रन का यार 659 उन्होंने बनाए हैं भाई, तुम्हारा बाप भी पूरे नहीं कर सकता। वो इनिंग की शिकस्त होगी, इनिंग की। यहाँ पर जो जितने मैनेजर वहाँ पर बैठे हुए कौन है पता नहीं, वो फील्डिंग कोच, इतने कैचेस मिस किए यार, इतने कैचेस मिस किए, कौन है उनका फील्ड, पाकिस्तान का फील्डिंग कोच, किसी को कुछ पता नहीं है। जब इस तरह से फील्डिंग कोच होगी तो फिर ऐसे ही होगा ना कि जिसका नाम निशान नहीं आपने उसको फील्डिंग कोच बनाया हुआ है। कौन है इस टाइम पे पाकिस्तान के पास फील्डर? एक अच्छा फील्डर है शादाब खान जो कि इस मैच में नहीं था इंजरी की वजह से, उसके अलावा आपके पास क्या है? आपके पास टट्टी पड़ी हुई है, पूरे गोबर रखा हुआ है आपने पूरे स्टेडियम में। बकवास करते हैं कि हम तो जीतेंगे भाई, हमारी बेस्ट टीम हमने खिलाई, मिसबा एंड वकार इज आवर बेस्ट कोच, घंटा बेस्ट कोच है वो, यहाँ पर बेड़ा घर करके रखा है। तुम लोग को कुछ सीखना चाहिए, तुम लोग खुदा के लिए कुछ सीखो, अफगानिस्तान से ही सीख लो उनकी बॉलिंग किस तरह है इस टाइम पे। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अफगानिस्तान के पास है इस टाइम पे और तुम लोग यहाँ पर चपड़ कंजू, यहाँ पर लूसी कुत्ते बन के बैठे हो तुम लोग। यहाँ पर मुंह से बंदा गाली भी नहीं दे सकता यूट्यूब पे। लानत है तुम्हारी इस परफॉर्मेंस पे, लानत है, ऐसी परफॉर्मेंस को तुम लोग लपेटो ले लो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में यार, अल्लाह हाफिज़।